हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका आईफोन 6 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर आपका आईफोन 6 क्रैश हो रहा है, बार बार जो है ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है। यहाँ पर अभी मेरा आईफोन 6s जो है, ये मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी इस आईफोन में। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, जैसे ही मैं अपने आईफोन को अनलॉक करता था तो ये मुझे ब्लैक कलर स्क्रीन दिखाता था, एक लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलती थी। अगर आपका भी आईफोन इसी तरह का कोई इशू देखने को मिल रहा है आपके आईफोन में, सो वो कैसे फिक्स करना है गाइस, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये है स्टोरेज की। जब हमारे आईफोन के पास कुछ भी अवेलेबल स्टोरेज नहीं है तो वो जो है ऐसा करना शुरू कर देगा। सो इसके लिए हमें जो है सिंपली, अगर आपका आईफोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको ऑन करना है, तो वो कैसे करना है, आपको सिंपली अपना पावर बटन और अपना जो होम बटन है उसको साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करोगे और उसके बाद में होम स्क्रीन पर जाओगे तो आपका आईफोन क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको जो है अपने पावर बटन और होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, क्योंकि मैंने अभी इस चीज़ को फिक्स किया है। जैसे ही आपका ये पावर ऑफ हो जाएगा, आपको जो है पावर बटन छोड़ देना है और होम बटन को दबाए रखना है। सो अब जो आपका फ़ोन है वो एक तरह से फोर्स रीस्टार्ट होगा और इसके बाद में आपका जो आईफोन है वो होम स्क्रीन पर चला जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन होम स्क्रीन पर ऑन हो जाता है, आपका अपने फ़ोन को कुछ चीज़ें डिलीट कर देनी है जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी फ़ोन में कुछ चीज़ें डिलीट करनी है जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं हैं। जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन को कुछ काम करने के लिए उसको फ्री स्टोरेज देखने को मिलेगी, फ्री अप स्पेस हो जाएगा आपका फ़ोन। और कोशिश करो कि अपने फ़ोन से सारे की सारी चीज़ों को जो है उसके ऊपर से लोड को कम कर दो, जैसे कि नेटवर्क बंद कर दो, उसके वाईफाई वगैरह बंद कर दो, या जो आपने ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर रखी हैं उनको डिलीट कर दो, जिसके कारण आपका जो फ़ोन है वो बढ़िया आराम से वर्क कर पाएगा। अभी आप देख सकते हो मैंने एप्लीकेशन डिलीट की है, लेकिन वो इतना स्लो हो गया है कि वो ऐप ही नहीं चल रही, काइंड ऑफ डिलीट भी नहीं हो पा रही। सो आपको जो है जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशंस को, कुछ ऐप्स को डिलीट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी कुछ ऐप्स को डिलीट कर दिया है, आपको भी कुछ सेम इसी मेथड से डिलीट करना है। सो ये है वे कि आप अपने फ़ोन को नॉर्मल कर सकते हो इस तरीके से। आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, ये आपको मेथड सही लगा होगा। आप देख सकते हो 16 GB पूरी टोटली भर रखी है। अभी तो मैंने जस्ट वो कह सकते हैं कि अभी मैंने फॉर एग्जांपल आई वुड से कि अभी मैंने जो कुछ फाइल्स डिलीट की हैं तो मेरा फ़ोन इस कंडीशन में चल रहा है, वरना वो बंद ही हो जा रहा था। सो इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन को वर्किंग कंडीशन में ला सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।